बड़ी खबर कुचामन सिटी से, जहां कुचामन में वन विभाग की गाड़ी से टक्कर से महिला की मौत के 3 दिन बाद परिजनों और ग्रामीणों का धरना गुरुवार देर शाम को समाप्त हो गया। प्रशासन ने पीड़ित परिवार की 7 मांगों में से 5 मांगों को मान लिया है, जिसमें वन विभाग के 5 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। मृतका के पति को संविदा नौकरी, SC/ST के तहत लीला देवी बावरी के बच्चों को सरकारी मदद 8.5 लाख, चिरंजीवी सरकारी योजना में 5 लाख व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कैंपर ड्राइवर की गिरफ्तारी हो गई है। वहीं पीड़ित परिवार पर लगे मुकदमे खारिज करने और इस मामले की पूरी जांच मेटता CO नरेंद्र मीना से कार्रवाई जाने पर सहमति बनी। गुरुवार शाम 7 बजे नारायण बेनीवाल ने धरने के बीच आकर लोगों को सहमति पत्र सुनाया और धरना समाप्त करवाया। वहीं RLP की ओर से परिवार को 1.5 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है। कुचामन में सोमवार देर रात 8 बजे वन विभाग द्वारा 5वां रोड पर अवैध खनन पर कार्रवाई करने के लिए वन विभाग की टीम गई थी। इस दौरान घर के बाहर खड़ी लीला देवी बावरी को वन विभाग की कैंपर गाड़ी ने कुचल दिया। हादसे के बाद लीला की मौके पर ही मौत हो गई। शव को अस्पताल की मर्चुरी में रखवाया गया। मंगलवार सुबह बावरी समाज के लोगों ने मुआवजे और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कुचामन थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लीला देवी को जान से मारने को लेकर 302 SC/ST एक्ट के तहत कुचामन थाने में मामला दर्ज करवाया गया। इन मांगों पर मंगलवार का पूरा दिन निकल गया। विधायक बावरी ने अपने समाज के लोगों से कहा, मैं आपके समाज की बेटी हूँ, आपको न्याय दिलाकर रहूंगी। देखेंगे 11 जनों के जो प्रतिनिधि मंडल की मांग थी, जिसमें 5वें जो वन कर्मी है उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनका मुख्यालय नागौर किया है और जो गाड़ी का जो चालक था उसकी गिरफ्तारी हो गई है। और इसके अलावा जांच जो है वो कुचामन से बाहर कराना चाहते थे परिवादी, इसकी जांच मेड़ता DYSP करेंगे दोनों प्रकरणों की। और जो इनके खिलाफ जो राजकार्य बाधा का मुकदमा दर्ज किया है उसमें FR की बात इन्होंने कही है और बाकी अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण जो मद से इनको पैसा है और 5 लाख रुपए जो दुर्घटना बीमा है उसका और 1.5 लाख रुपए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार की तरफ से पीड़ित परिवार की मदद की जाएगी। इसके साथ साथ एक नौकरी की बात करी थी। हाँ, इसके जो पति हैं उनको संविदा पे, यदि उनकी इच्छा डेगाना तो डेगाना, मकराना तो मकराना, संविदा पे नौकरी दी जाएगी। इससे आप समझौता हो गया? बिल्कुल, 11 जनों का प्रतिनिधि मंडल गया था जिसमें परिवार के सब लोग साथ थे, इसमें इन लोगों ने सहमत। देखिए, लीला बावरी जो गरीब परिवार की BPL परिवार की बच्ची थी और उनके साथ में ऐसे कुचल कर मार दिया कैंपर से, जो कर्मचारी कुचल कर मारना, घर जाना 8 बजे रात की, बहुत बड़ी दुख की बात है। और समाज, बावरी समाज के जो लोग गरीब परिवार के हैं, आज कोई उनके साथ में नहीं है। और मैं समाज की, एक बावरी समाज की हूँ, तो मारा फर्ज बनेगा बावरी समाज ने न्याय दिला। तो आज नारायण जी बेनीवाल साहब भी आया और 2 दिनों मैं भी धरना पर हूँ। तो जो मांगा अपनी, पहली बात तो एक नौकरी मिले और सस्पेंड करें और उनको गिरफ्तारी करें, अपनी मांगा सारी मान ली। और पोस्टमार्टम यह के बाद में जो ड्राइवर उनकी गिरफ्तारी हो जाए और जो कर्मचारी गाड़ी के अंदर आ उनको सस्पेंड कर देंगे। और समाज के लिए हमेशा ही मैं पूरा प्रयास करूँ कि समाज को विकास किए हुए और समाज आगे किए बढ़े। वैसे कई नेता आवे, बावरी समाज बोली है, कई नेता के बेखाव में भी आ जाए, पर ए बावरी बहुत होशियार है, कोई के बेखाव में नहीं आया। ये एक ही चीज की के जो माँ के बावरी समाज की बेटी है, MLA है, वो के जैसे होगा। तो मैं उनके साथ में हूँ, हमेशा ही उनके लिए लड़ती हूँ और लड़ती रहूंगी। वैसे RLP के तरफ 1.5 लाख रुपया भी उन परिवार के लिए, बच्चों के लिए RLP पार्टी बच्चों ने दी। और भी जो कोई मदद है वो उनके लिए हमेशा ही खड़े हैं और कंधे से कंधे मिला के उन बच्चों के साथ में कभी भी याद करेगी तो मैं आधी रात का भी बच्चों के लिए खड़ी हुई।